अबे ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक ट्रेलर टीजर या क्लिप्स आते ही जा रहे हैं। अबे मेरे OMG2 का ट्रेलर कब आएगा? सेंसर बोर्ड वालों, जल्दी से मुझे भी सर्टिफिकेट दे दो। अरे तू भी अपने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दे, तुझे किसने रोका है? मैं तो बॉलीवुड में फिर से गदर मचाने आ चुका हूँ। लगता है तारा सिंह जवान को टक्कर देने वाला है, लेकिन जवान की हाइट कुछ और है। जवान फिल्म को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा क्या, मेरे टीजर को जितने व्यूज मिले ना, उससे कम व्यूज तुम्हारे ट्रेलर को मिले। सलाम, ये ट्रेलर नहीं था, ये तो बस एक प्रीव्यू था रे। अगर मैं ट्रेलर डालूंगा ना तो साला पूरा यूट्यूब हैंग हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने गदर 2 का ट्रेलर डाल दिया है और यूट्यूब को हैंग कर दिया है। अब उखाड़ूंगा मैं हैंडपम्प। अरे पिछली बार भी हैंडपम्प उखाड़ा था, इस बार भी हैंडपम्प उखाड़ेगा क्या? अबे इस बार कुछ तो ना करो। ओए मेरे हैंडपम्प को कुछ मत बोलना, वरना मैं गदर मचा दूंगा। वैसे इस बार गदर 2 की स्टोरी क्या रहेगी, कोई पता है क्या? मैं बताता हूँ भाई, इसमें उत्कर्ष शर्मा जो तारा सिंह का बेटा है, वो किसी लड़की के चक्कर में फंस जाता है और पाकिस्तान में चला जाता है। फिर तारा सिंह उसको बचाने के लिए अपना हथौड़ा लेके आता है और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद हैप्पी एंडिंग होती है। क्या भाई सब कुछ बताना पड़ता है तुम लोगों को? ओए ऊर्जा काले कावा तेरे मूवी जखंड पावा, ऊर्जा तू कहीं जाके मेरे फिल्म की स्टोरी मत सुना, वरना तुझे मैं नोटिस भेज दूंगा। मैं कहा बताया भाई, ट्रेलर में ही सारी स्टोरी बता दी आप लोगों ने। आप लोग अपने एडिटर को बोलो ना, ट्रेलर में ही पूरी मूवी दिखा दी। चमाइला मैं तो अब समझा रे बाबा, पिछली बार सकीना के चक्कर में गदर मचा था, इस बार तारा सिंह के बेटे की गर्लफ्रेंड के चक्कर में गदर मचेगा रे बाबा। लड़की का चक्कर है बाबू, या लड़की का चक्कर है? अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी तो वो सनी देओल की वजह से होगी, अगर ये फ्लॉप होगी तो वो उत्कर्ष शर्मा की वजह से होगी, क्योंकि उसके मुंह से जो मैंने डायलॉग सुने मेरा मुंह पूरा जुबा कैसे हो गया। ये फिल्म का हीरो मैं हूँ और मैं इस फिल्म को अपने कंधे पे लेके जाऊंगा, अकेला हिट कराऊंगा। गदर का जब पहला पार्ट आया था तो तुम लोगों ने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया था, लेकिन जब वो फिल्म सुपर हिट हुई तो तुम ही लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। मैं तुम लोगों का चेहरा अच्छे से जानता हूँ, इस फिल्म के साथ भी तुम ऐसा ही करोगे, पहले इसे क्रिटिसाइज करोगे और जब अगर ये हिट होगी तो फिर इसकी तारीफ करोगे। ऐसा ही होता है हमेशा यहाँ पे, क्योंकि ये बॉलीवुड है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। मेरे पठान के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहले लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी की थी, उसके बाद जब ये फिल्म हिट हुई ना तो साला सब लोग इसकी तारीफ करने लग गए। अब गदर 2 का कलेक्शन देखना बॉक्स ऑफिस एकदम चकना चूर हो जाएगा। इस फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, लेकिन मुझे ऐसा दिल से लगता है कि गदर का पार्ट 2 नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि गदर का जो पार्ट 1 है ना वो इतना नेचुरल था कि इसका अगला पार्ट जो भी बन रहा है वो मुझे नेचुरल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती डायलॉग डिलीवरी हो रही है। ये बात मुझे वो बता रहा है जिसने आदि पुरुष बनाई, ये तो दोगलापन है। आदि पुरुष से जो सबक मिले ना भाई, उसका ही नतीजा है ये। अब मैं हमेशा सच बोलूंगा, अच्छी लगी तो अच्छा बोलूंगा, बुरा लगा तो बुरा बोलूंगा। अब तो मुझे किसी का चिंता भी नहीं है, लोग मुझे वैसा भी बुरा बोलते ही है। अब जब भूलभुलैया 2 जैसी फिल्म हिट होती है तो ये तो गदर 2 है और इसमें ऊपर से सनी देओल है, और क्या चाहिए? अबे ये भी हिट होगी, लिख के ले ले। ट्रेलर देख के फिल्म को जज मत करो, वरना तुम सबके मैं हैंडपम्प उखाड़ दूंगा। लेकिन शादी होने से पहले अगर मेरा हैंडपम्प उखाड़ दोगे तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा भाई? मेरी तो प्रजाति ही नष्ट हो जाएंगी। कसम उत्कर्ष शर्मा के ऑस्कर लेवल डायलॉग डिलीवरी की, गदर 2 को पब्लिक का इतना प्यार मिलेगा कि ये फिल्म सिर्फ सुपरहिट नहीं होगी, ब्लॉकबस्टर होगी। ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी, गदर का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बस भाई बहुत हो गया, इतनी तारीफ मत कर, झूठी तारीफ लग रही है। नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। आपने वो हैंडपम्प उखाड़ने वाली बात की ना, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ।